बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनकी मौत की वजहों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी पुलिस अभी तक 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तो वहीं बॉलीवुड से भी कई लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई बातों का खुलासा किया। इसी बीच शेखर सुमन ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी खरी खोटी सुनाई और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का सपोर्ट भी किया। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर शेखर सुमन ने एक और बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि अपनी मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने एक महीने के भीतर 50 सिम कार्ड चेंज किए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अभी हाल ही में जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसे लेकर शेखर सुमन ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें इसे सुइसाइड ही बताया गया है। रिपोर्ट बिल्कुल उसी प्रकार से आई थी जैसा मैंने सोचा था। इसे सिर्फ नॉर्मल सुइसाइड कहकर के इस मामले को रफा दफा कर दिया गया है और ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। इसके अलावा शेखर सुमन ने हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत अकाउंट की भी शुरुआत की है और उन्होंने मांग की है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई की जांच हो और लोगों से कहा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी कहा गया है उस पर विश्वास ना करें। शेखर सुमन ने कहा कि इस बात पर गौर करें, इस बात को गंभीरता से लें क्योंकि इस बात हम किसी की नहीं सुनेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के हम सभी साथ हैं, पूरा देश इनके साथ है और हम आपके लिए न्याय की मांग करते हैं। वो बार बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले 3 डॉक्टर्स की एक बेंच ने उनका पोस्टमार्टम किया और अब 5 डॉक्टर्स की बेंच ने उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किया है और उसमें उनकी मौत की वजह को गंभीरता ही बताया गया है, अर्थात उनकी मौत की वजह सुइसाइड को ही बताया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।